नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है कि भाई टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बेमेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 2 atm। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, टोटल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बेमेट जो है वो आपको 2 atm दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये आपका होता क्या है, NH2COONH4 सॉलिड अमोनियम कार्बोमेट। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये आपको देता है 2 moles ऑफ अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका अमोनियम कार्बोमेट होता क्या है। तो अमोनियम कार्बोमेट आपका ये है NH2COONH4, ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो हमें 2 moles ऑफ अमोनिया गैस मिल रहे हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। अब इसने हमसे कहा है कि जब टोटल प्रेशर जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पर 2 atm है, ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा वो हमें बताना। तो मान लेता हूं इसका इनिशियल प्रेशर कुछ रहा होगा पी, अब सॉलिड फॉर्म में है तो कंप्लीट मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम पर हमें कितना मिला होगा प्रेशर, टोटल 2p की फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर जो है आपका वो तो कंप्लीटली आपका कवर होता है क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे जाएगा। तो 2p ये कितना मिला मुझे यहाँ पर p, टोटल प्रेशर जो है वो कितना मिलेगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो 2p प्लस p कितना हो गया 3p, और ये किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है 2 atm के, तो p इक्वल टू कितना आ गया 2/3, किसके आ गया 2/3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp कैसे लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है 2p होल स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना p, तो 2 स्क्वायर कितना 4p³, 4p कितना 2/3 होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा 4 × 2³ कितना 8, 3³ कितना 27, तो 32/27 सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आपको मिलेगा 1.185, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको सॉलिड अमोनियम कार्बोमेट दे रखा था, अगेन इक्विलिब्रियम पर ये तो मिलेगा नहीं हमें कुछ, ठीक है, जितना भी प्रेशर रहा होगा इसका कंप्लीटली आपका अमोनिया और किसमें जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 2p प्रेशर ले लिया मैंने, p प्रेशर ले लिया, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना मिल गया मुझे 3p, जो कि किसके इक्वल है 2 atm। तो हमने वहीं से ये सॉल्व कर लिया आगे।